बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस की फर्स्ट कैटेगरी कीबोर्ड पर बात की थी। आज हम इनपुट डिवाइसेस की सेकंड कैटेगरी पॉइंटिंग डिवाइसेस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंटिंग डिवाइसेस होती क्या हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि कंट्रोल करती हैं पॉइंटर को ऑन स्क्रीन। द इनपुट डिवाइसेज दैट कंट्रोल्स पॉइंटर ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। अब यहाँ पे एक बात हमने की, पॉइंटर होता क्या है। जिस तरह यहाँ पे हाइलाइटेड एरिया में आपको एक वाइट एरो नज़र आ रहा है, ये पॉइंटर है। पॉइंटर इज द स्मॉल सिंबल दैट अपीयर्स ऑन स्क्रीन इन GUI एनवायरमेंट। GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और इसमें हम माउस को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम GUI इंटरफेस कहेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम मज़ीद इस पर डिटेल में बात करेंगे। पॉइंटिंग डिवाइसेस की कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस की जो सबसे अहम और कॉमन एग्जांपल हमारे सामने आती है वो माउस है। वाइडली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली डिवाइस है, और इट इज़ मूव्ड ऑन द फ्लैट सर्फेस टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर। इसे फ्लैट सरफेस पर हम मूव करवाते हैं और स्क्रीन पर जो पॉइंटर है वो कंट्रोल किया जा सकता है उसकी मूवमेंट को। इट हैज़ 2 or 3 बटन्स। आप जानते हैं सब कि माउस पर 2 या 3 बटन्स होते हैं जो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, जिस तरह किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना या किसी प्रोग्राम को ओपन करना। आप अक्सर देखते हैं कि माउस पर एक व्हील लगा होता है जिसको हम स्क्रोल व्हील कहते हैं। स्क्रोल व्हील इस्तेमाल होता है लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स को स्क्रोल अप या स्क्रोल डाउन करने के लिए। अब हम बात करते हैं माउस की टाइप्स पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि माउस की टाइप्स अकॉर्डिंग टू कनेक्टिविटी क्या हैं। कनेक्टिविटी मींस कि कंप्यूटर के साथ वो किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस लिहाज से तो कनेक्टिविटी के मुताबिक माउस की 2 टाइप्स हमारे सामने आती हैं। एक वायर्ड माउस है जिनके साथ वायर लगी होती है और वायर के साथ हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ, और एक वायरलेस माउस है। सेकंड टाइप जो माउस की आती है वो फंक्शनैलिटी के मुताबिक है। उनमें सबसे पहली जो टाइप हमारे सामने आती है अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी वो है ट्रेडिशनल माउस। ट्रेडिशनल माउस ये ओल्ड माउस थे, और इसमें आप देखते हैं कि इस माउस में रबर या मेटल बॉल होता था उसके बॉटम पे। अगर आप माउस को उल्टा कर देखते हैं तो उसके नीचे आपको एक बॉटम पे बॉल नज़र आता है, और मूवमेंट ऑफ बॉल जो है उससे कंट्रोल होता है स्क्रीन पर पॉइंटर। सेकंड टाइप अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी जो हमारे सामने माउस की आती है वो है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस इनमें बॉटम पे बॉल की बजाय लाइट रिफ्लेक्शन होती है, और लाइट रिफ्लेक्शन के थ्रू जो पोजिशन है एक पॉइंटर की उसे कंट्रोल किया जाता है। अब हम पॉइंटिंग डिवाइसेस की नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस की नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल अल्टरनेटिव टू माउस है, माउस का मुतबादल है, लेकिन इसके टॉप पर एक रोटेटिंग बॉल होता है और इस पर भी बटन्स होते हैं माउस की तरह। ट्रैक बॉल की बॉडी को मूव नहीं किया जाता, बल्कि यूजर इसके टॉप पर लगे हुए बॉल को रोटेट करता है और स्क्रीन पर जो पॉइंटर है वो कंट्रोल किया जाता है। इसका एडवांटेज जो माउस पर हमें नज़र आता है वो ये है कि इट टेक्स लेस स्पेस बिकॉज इट हैज़ नॉट टू बी मूव्ड, क्योंकि इसे मूव नहीं किया जाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल पॉइंटिंग डिवाइस की टच पैड या ट्रैक पैड है। आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा लैपटॉप्स वगैरह पर। तो टच पैड या ट्रैक पैड एक टच सेंसिंग डिवाइस है। इट इज स्मॉल फ्लैट सर्फेस ओवर विच यूजर मूव्स हिज फिंगर, और फिंगर की मूवमेंट से जो पॉइंटर की पोजिशन है वो स्क्रीन पर कंट्रोल की जाती है, और इस पर भी माउस की तरह बटन लगे होते हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि ट्रैक पैड कॉमनली यूज़ किया जाता है नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर्स के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे सामने पॉइंटिंग डिवाइस की आती है वो है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी एक टच सेंसिंग डिवाइस है, और यूज़र स्क्रीन के डिफरेंट पार्ट्स को टच करके फिंगर के साथ या स्टाइलस के साथ इनपुट कर सकता है अपनी कमांड्स को। स्टाइलस बेसिकली एक स्टिक होती है मेटल की, जिसके साथ आप स्क्रीन के मुख्तलिफ पार्ट्स को टच कर सकते हैं एक्यूरेटली। बहुत सी टच स्क्रीन्स मल्टी टच स्क्रीन्स भी हैं। इसका मतलब है कि ये स्क्रीन मल्टी टच स्क्रीन फील कर सकती है टच ऑफ मोर देन वन फिंगर्स। जिस तरह आप
किसी पिक्चर को एक्सपेंड करते हैं दो फिंगर्स को यूज़ करते हुए या उसे कंट्रैक्ट करते हैं। टच स्क्रीन ज़्यादातर हमें मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप्स पे नज़र आती है। आज के इस लेक्चर में हमने कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।